in class 7 million so Jakarta computer Jakarta number 1 chal raha hai computer ka vertical ab jab bhi koi video dekhe mobile se aapko 25 cm ho jisse aapko nuksan na pahunche ye baat aapko taarne ke sath sath jaag bhi karta hai क्योंकि आपका रिजल्ट चल रहा है इन बच्चों का काम पूरा कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आगे बात का 5 है बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है जो आपके डिजिटल कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के होते हैं देखिए डिजिटल कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर उनके साइज आकार के हिसाब से उनकी स्पीड उनकी गति के हिसाब से या वो कितने काम कर सकते हैं या उनकी प्राइस यानी कीमत के हिसाब से यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं जैसा आप देख सकते हैं किसी भी स्कूल में क्या होता है प्यून होता है क्लर्क होता है प्रिंसिपल होते हैं टीचर्स होते हैं सबका काम क्या होता है अलग अलग होता है सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है ऐसे यहाँ पर क्या है कंप्यूटर को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है देखिए जो सुपर कंप्यूटर है इन सब में सबसे महंगे कंप्यूटर है और सबसे तेज गति से काम करते हैं इनकी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है आप इसमें कैसा भी काम को सॉल्व कर सकते हैं और सबसे महंगे कंप्यूटर कौन से आपके सुपर कंप्यूटर ही है हमें इसका प्रयोग अंतरिक्ष विभाग में यानी स्पेस से संबंधित मौसम मतलब वेदर फोरकास्टिंग के लिए एवं भौगोलिक ज्ञान के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं यानी जो बड़े कामों के लिए इसका सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं क्लियर ये इसका उदाहरण है परम देखिए भारत के द्वारा जो बनेगा जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम और परम 10,000 और दूसरे का नाम है अनुराग ये दो सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा ही बनाए गए हैं यहाँ पे बात करते हैं अतिरिक्त प्रश्न उत्तर के जो मैंने आपको जब चैप्टर में आपको पढ़ाया था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पुटअप किए थे इस नए क्वेश्चन नंबर 1 एबेकस का सर्वप्रथम उपयोग किस देश में हुआ देखिए एबेकस का जो सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ वो आपका चाइना के द्वारा लगभग 5,000 वर्ष पूर्व किया गया आपको पता है एबेकस क्या था एबेकस लकड़ी का एक फ्रेम था एक रेक्टेंगुलर एक आयताकार उसकी फिगर थी जिससे आप क्या कर सकते थे कैलकुलेशन कर सकते थे उसमें क्या होते थे उसमें मानक होते थे यानी गोल गोल वो मानक होते थे जिसके द्वारा क्या कर सकते थे कैलकुलेशन कर सकते थे सिंपल कैलकुलेशन यानी प्लस करना या फिर माइनस करना और आजकल आप देख भी रही हैं जगह जगह क्या हो रही है बच्चों के लिए एबेकस क्लास चल रही है यानी वे कैलकुलेशन आप अपने फिंगर्स पर भी कर सकते हैं ये वर्क आपको उतारने के साथ साथ याद भी करना है थैंक यू